will not accept the scapegoating of Pakistani nation. That is something which should be very clear to the rest of the world. हम बाइज्जत और खुददार कौम हैं और हम अपनी हफाजत करना जानते हैं और अपनी हफाजत करेंगे, अपने एक एक इंच की हम हफाजत करेंगे, चाहे वो मगरबी सरहद है चाहे वो हमारी मशरकी सरहद है. वील डिफेंड आर टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड वील नॉट कॉम्प्रोमाइज आर टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और आर नेशनल डिग्निटी एट एनी कॉस्ट. दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमने सिर्फ खोया है, पाया कुछ नहीं. अमरीका खित्ते के हालात से गाफिल है, पाकिस्तानी कौम को कुर्बानी का बकरा बनाना कबूल नहीं. वजीर खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा खित्ते में तब्दीलियां रोनुमा हो रही हैं, हमें भी नई सिम का तयन करना होगा. पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीत रहा है. हमारी बका दाव से बेहतर ये जंग कोई लड़ ही नहीं सकता. खारजा आसिफ का दो टोक पैगाम, वजीर खारजा चीन रवाना. नई अमरीका पॉलिसी के तनाजुर में अहम मुलाकातें करेंगे. शरीफ खानदान के गिर्द घेरा तंग, नैब लाहौर के तमाम रेफरेंसेस मंजूर. 16 कंपनियों, अजीजिया स्टील मिल्स, लंदन फ्लैट्स पर रेफरेंसेस दायर किए जाएंगे. नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में फैसला, वजीर खजाना के खिलाफ आमदन से जायद असासे बनाने पर रेफरेंस दायर किया जाएगा. नैब एक्शन के बाद नवाज शरीफ का रिएक्शन, लंदन में क्याम बढ़ाने का इम्कान. साबिक वजीर आजम के जुमे को लाहौर वापस आने की इत्तला थी, 10 नवंबर को एबटाबाद में जलसा भी मुलतवी. नई तारीख का ऐलान नवाज शरीफ की वतन वापसी पर किया जाएगा. नैब का चेयरमैन करप्शन पर पर्दा डाल रहा है, इसहाक डार को नैब रेफरेंस के बाद मुस्ताफी हो जाना चाहिए. इमरान खान की तनकीद, कहते हैं मुल्क में सरमायाकारी न आने की वजह करप्शन है. पूरे टब्बर में बंदर बांट होती थी और हर मामले में कमीशन मांगा जाता था. सिंध हुकूमत की कोशिशें नाकाम, ईडी खाजा आईजी सिंध के ओहदे पर बरकरार. सिंध हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया, सूबाई हुकूमत का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान. अदालती फैसला गुड गवर्नेंस और पुलिस के बतौर इदारा फतह है, एडी खाजा का रद्द अमल. सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान नहरी केस समाप्त के लिए मुकर्रर, चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच भी तश्कील. इमरान खान, जहांगीर तरीन, हनीफ अब्बासी और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी, समाप्त 12 सितम्बर को होगी. एमडी खैबर बैंक ने सूबाई वजीर खजाना पर बेबुनियाद इल्जाम लगाए. शम्सुल कयूम ने इश्तहार छाप कर शख्स 7 के खिलाफ वर्जी की. महकमे खजाना खैबर पख्तूनख्वा ने एमडी खैबर बैंक को हटाने के लिए नोटिस जारी कर दिया. बीए और बीएससी के नतीज का ऐलान, पंजाब में लड़कियों ने मैदान मार दिया. हाफिजाबाद के कारपेंटर और सरगोधा के मैकेनिक की बेटियाँ टॉप पोजिशन लेने में कामयाब. ऊंची उड़ान से दुश्मन पर धाक बिठाते पाक फिजाइया के शाहीनों को सलाम. आज मुल्क भर में यौम फिजाइया मिल्ली जोशो खरोश से मनाया जा रहा है. खतरात से निपटने के लिए तैयार है, एयर चीफ मार्शल सुहेल अमान का पैगाम. कराची में राशिद मिनहास शहीद को खराज अकीदत पेश. मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के मजालिम हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक को गिरफ्तार कर लिया. यासिन मलिक, सैयद अली शाह गिलानी और मीर वाइज उमर फारूक ने नई दिल्ली में एहतजाज की धमकी दी थी. भारतीय इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुंबई धमाकों के केस का फैसला सुना दिया. ताहिर मर्चेंट और फिरोज खान को सजाए मौत, अबू सलीम और करीमुल्ला खान को उम्र कैद और एक शख्स को 10 साल कैद की सजा. 1993 में धमाकों से 257 अफराद हलाक हुए थे. फ्रांस के जेरे एहतमाम 2 जजीरों में समंदरी तूफान इरमा ने तबाही मचा दी. जजीरा बारबुडा 90% तबाह. सेंट मार्टिन में एयरपोर्ट, इमारतें, होटल और घर मलबे के ढेर बन गए. 9 अफराद हलाक. तूफान हेटी, डोमिनिकन रिपब्लिक और फ्लोरिडा की जानी बढ़ने लगा. मुल्क में इंटरनेशनल क्रिकेट का मेला सजने में 5 रोज बाकी. शायकीन वर्ल्ड 11 और कौमी खिलाड़ियों के एक्शन में देखने को बेकरार. इंडिपेंडेंस कप के लोगों की रोनवाई, नजम सेठी कहते हैं मुल्क में क्रिकेट की वापसी के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं. और वर्ल्ड 11 की लाहौर आमद, कदाफी स्टेडियम के अतराफ सिक्योरिटी इंतजाम सख्त. मैचेस के दौरान फिजाई निगरानी भी होगी. टिकट्स के हुसूल के लिए शायकीन का रश, बाज शायकीन टिकट्स ना मिलने पर नाराज. 500 का टिकट के लिए सारा दिन इधर जलील हो रहे हैं,
और धूप में खड़ा किया हुआ, और अभी तक हमने कोई ऐसा बंदा नहीं देखा जिसे 500 वाला टिकट मिला हो। ये कह रहे हैं कि अभी 500 वाली टिकट ही नहीं है, ऑनलाइन सारी है।